तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौजूआत पर उलमाए इकराम की बसीरत अफरोज तकारीर, कुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाजरों के आडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तियाब हैं। पोटवारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर, 10 Carlisle Road, नज़्द हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट। टेलीफोन 480327 और 775721। इसे भी नवाज़े शाह, इसे भी कबूल करे, इसे भी नवाज़े शाह, लाया है नियाज़ी जो शेरों का ये पसंद फरमाएंगे? ठीक।
तो फिर ये हजरात जो दरवाजों में खड़े हैं बड़े ही अच्छे हैं, अगर कुछ देर के लिए बैठ जाओ मैं तुम्हें भी खुश करूंगा। मेरा पढ़ना आम गुर्रा हजरात से मुख्तलिफ है। वादी नील के जो पढ़ने वाले कारी हजरात हैं उनका अंदाज ही अपना है। Thank you.
मगर में, तुम्हारे साहेब मजरू नहीं। अरब के लोगों ने सरकार को मजनू कहना शुरू कर दिया था। रब ने अपने हबीब की शान में ये कहा, ओ मैं साहिब को भी मजनू। मैंने भले अर्ज किया था, यहां के कुर्रा हजरात ने यह पहली मरतबा सुनना है। मैं जब से अरब से पढ़कर आया हूं, मैंने देखा यहां कारियों की कदर इतनी है। सनातन जोलियों भर के ले जाते हैं, कारी बेचारे एक रुकू पढ़ते हैं, कारी जी वहां बैठ जाओ। मैंने कारियों का हाल देखा तो खतीब बन गया। खताबत में कुछ मजे और हैं, मगर मेरे जवानी में कारियों ने इसलिए नहीं सुना कि कारियों की कदर नहीं की मेरे काम में, वरना मैं कारियों को आज सुना रहा हूं। ना मालूम ये बुजुर्ग कौन है जो वहां से हदिया उठाकर यहां पहुंचे हैं। ये कुरान की कदर है। सुनो, ये अंदाज है वादी नींद के लोगों ने जो मेरे मुर्शिद पसंद करते हैं, और मैं ये भी दावे से कहता हूं, मैंने अपनी 23 साल खिताबत में कभी किसी जलसे में उसने खराब का मुजाहरा नहीं किया, और अगर किया है तो दूसरी मरतबा पीर मुर्शिद के सामने कर रहा। Imagine who
बात
फरमाते हुए गुलाम हैं, इन्हें तो सारी उम्र बिठाए रखो, ये बैठे रहेंगे। ये मदीने की कपा है। कपा समझते हो, फारसी में उसे कहते हैं पंबा। पंबा जो फुट्टी कहते हो ना तुम पंजाबी में, फुट्टी रूई जब निकलती है तो उसके चार हिस्से होते हैं और वो बड़ी सफेद सफेद खूबसूरत सी लगती है। वो तो खेतों में खूबसूरत लगती है, ये मदीने की फुट्टी है, ये मदीने की कपा है। देखो किसान कैसा है और किसान के लगाए पौधे कैसे हैं। रुलाने वाले रखे हैं, कोई हंसाने वाले रखे। मैं उन औजारों में से एक औजार हूं जो हंसतों को रुला दिया करता। फिल्म दिखाऊं, देखोगे अरे तुमने तो हंस के छोड़ दिया, मुझसे ये भी ना पूछा फिल्म कहां की बनी हुई है। फिल्म देखोगे दिखाऊं, रीले यहां से होगी, नजर मदीने से आएगी। हाँ देखो ना, वो जामिया नबी शरीफ का दरवाजा है और उसमें एक जवान बैठा हुआ है। लोग गुजर रहे हैं, उसे धक्के लग रहे हैं, दरवाजे से उठता नहीं है। वो जामिया नबी शरीफ के बाहर का सदर दरवाजे पर बैठा हुआ है। रश है लोगों का, लोग गुजर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो उठता नहीं है। उसे सब लोग कहते मियां रास्ते में बैठ गए हो, उठ जाओ। वो गिर रहा है, उसे ठोकरें लग रही हैं, वो उठता नहीं। तुम्हें नजर आ रहा है, कह दो नजर आ रहा है। देखो ना उन्हें ठोकरें लग रही हैं, वो उठता नहीं है चौखट से। सैयदना उमर फारूक जो बाहर आए तो आपने फरमाया कौम, उसने कहा महबूब के गुलाम और हमारे महबूब, यह मैं तेरा हुक्म नहीं मान सकता। कहा मैं कह रहा हूं उठ। कहा और फारूक जाओ, जाकर मेरे हजूर से पूछ कर आओ मैं उठूं या ना। इमाम उलंबिया मार तशरीफ ले आए, मजमा जमा हो गया। सरकार दो आलम ने फरमाया क्यों बैठा है दरवाजे में। कहा हजूर आपने बैठने का हुक्म दिया था, आपने बैठने का। इमाम उलंबिया ने फरमाया तुम हमारा हुक्म अपनी जुबान से बयान करो, क्या हुक्म दिया था। अल्लाह के रसूल आवाज फरमा रहे थे मैं आखिर पे पहुंचा। कुछ लोग खड़े थे, आपकी आवाज मुबारक आई जहां हो बैठ जाओ। आका मैं दरवाजे की दहलीज पर था, मेरा एक कदम अंदर था, मेरा एक कदम बाहर था, मैं उसी जगह बैठ गया। आका आपने बिठाया था, उठाएंगे भी तो आप ही। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। हजूर ने फरमाया अब
मैं तुझे कहता हूं, उठाया और अपने सीने से लगा दिया, लगाकर कहा ए अल्लाह, ए अल्लाह, जो तेरे नबी का इतना एहतराम करते हैं, मैंने कहा बैठ जाओ, वो उठा ही नहीं। सरकार ने उसी वक्त सीने से लगाकर दुआ की, अल्लाह इससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। ठोकरें फड़ रही हैं, सहाबी उठ नहीं रहा, लोगों के घुटने लग रहे हैं, लातें लग रही हैं, उठता नहीं है। फरमाए अल्लाह, जो तेरे नबी की अदात यहां तक बजा लाता है, उन्हें जन्नत में मेरे साथ रख। मैं एक और बात सुनूं, मैंने भी जान लेनी है, मैंने भी कब्र में जाना है, मुझसे भी मेरा रब पूछेगा, बता तूने कितना हक अदा किया। यार गार सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अमीर मोमिनीन का नाम आए तो कहो रजी अल्लाह तआला। इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं, यकायक मेरे सरकार का रंग मुबारक बदल गया। अबू बकर मैं तेरी निगाहों पर कुर्बान हो जाऊं, एक बार सामने आओ आपके पांव से लिपट जाओ, ऐसा लिपटू कि कयामत तक आपके पांव न छोड़ू। यारे गार नबी की खुशी के रंग भी जानता है, गम के रंग भी जानता है। सरकार के चेहरे पर उदासी आई, यार की आंखों में आंसू बह निकले। फिदा का उम्मी वाबी, हजूर आपका यारे गार जिसे खुदा ने नकब दिया है यारे गार, मेरे आका मेरे मां बाप कुर्बान जाए। हजूर ये तो बताइए ना, तेरे पर आज उदासी कैसी है? सरकार ने फरमाया मेरे यार, मेरे मिजाज शनास, मेरे यार और मेरे मिजाज शनास, तूने जान लिया मैं उदास हूं। फिदा का उम्मी वाबी, मेरे मां बाप कुर्बान जाए, मेरी आंखें जान गई हैं, चेहरा अकदस पर उदासी आ गई है। सरकार ने फरमाया मैं गवाही देता हूं, उस जमाने
ऐसे में कोई मैं वादा करता हूं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कहीं 100 मर्द जाने दें और इंकलाब लाए। मैं ऐलान करता हूं जो एक सुन्नत को जिंदा करेगा, बारगाह खुदाबंदी में वो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। कितनों का सवाब पाएगा जो मेरी एक, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब पाएगा। उसके मुतल्लक मैं क्या कह सकता हूं, या एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है, और जो नबी की खेती का किसान बनकर सुन्नतों भरी जिंदगी अता कर दे, एक सुन्नत तो बड़ी थोड़ी है जिसने सारी जिंदगी सुन्नतों भरी कर दी। मीरपुर वालों, ये जिन नौजवानों को तुम देख रहे हो, अल्लाह मुझे जारी तारीफ माफ फरमाए, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा वकील है, लाखों रुपया लेता है और पैसे अमीर इकट्ठे करके मिलों वाले बड़े बड़े रईस कहते अब चलो लंदन। मीरपुर वालों, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं उन अमीरों को कह रहा हूं जो यहां से माल जमा करके जाते हैं लंदन में यूरोप में याशी के लिए। उन्हें पता होना चाहिए तुम जिस इरादे से जाते हो वो शैतानी है, पर उन्हें ये मालूम नहीं मदीने के खातिम ने जान लगाया हुआ है। मौसम सावन का जानवर बोलते हैं ना, मदीने का आए तो गुलाम बोलते हैं। इनका शिकार किया किसी ने, कोई शिकारी है बिन लगों का, कोई शिकारी है सर का, कोई शिकारी है हुसन का, और कोई शिकारी है मदीने का। कैसे शिकार करता है जरा देखो तो सही। मैंने कहा हजरत न्याजी पढ़ चुका है, लोग बेनियाज हो रहे हैं, आवाज आई
سعادپور کے خزانے بھرے ہوئے آج کے روپ میں کل اور آنے والا
مشائخ داری ہوں گے اصل میں تو آج کوئی مرید اپنے پیر کی جوتیاں اٹھاتا ہے مجھے صحابی یاد آتا ہے میں تو ان اداؤں کو دیکھتا ہی رہتا ہوں میرے سامنے خواجہ صاحب اٹھے مرید باپ کر گیا جوتیاں لے آیا ادھر مرید جوتیاں لے کر آ رہا تھا اور ادھر مجھے محمد مدنی کا بلال یاد آ رہا تھا ادھر میں نے مرید کو دیکھا اپنے پیر کو جوتیاں پہنا رہا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا یہ منظر نہیں دیکھا جاتا بلال جب جوتیاں پاؤں سے اتارتا ہوگا تو کیا منظر جاتے ہیں لوٹا میرے پاس ہوتا ہے اور مسواک شریف بھی میرے پاس ہوتی ہے میں ہر وقت اپنے کانوں کو نبی کی آواز کی طرف لگا رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کب میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں میں آئے گی میرے بلال جلدی لاؤ میرا پانی اور میرا مسواک جو مجھے اس دوڑنے میں مزہ آتا ہے میں اللہ کی قسم کھا شاید وہ مزہ اور کہیں نہ پا یہ دیکھو دیکھو عثمان غنی جا رہے ہیں یہ دیکھو دیکھو عثمان غنی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے لشکر جا رہا ہے پہلی منگل پر وضو کیا ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ طے کیا تو کہا غلام پانی لاؤ غلام پانی لاؤ غلام بھاگا بھاگا گیا پانی لے آیا عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے وضو فرمایا ہے آپ نے فرمایا وضو کرا غلام دیکھتے ہی دیکھتے دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے غلام پر کیفیت طاری ہو گئی صحابہ چپ کھڑے ہوئے ہیں امیر المومنین دقت میں آ گئے صحابہ سوچ میں ڈوب گئے خیر تو ہے نا کس لیے روئے یہ معلوم نہیں عثمان کیوں رو رہے ہو پوچھنے کی بھی کسی کو جرت نہیں ہے عثمان کیوں رو رہے ہیں ہچکی بندگی تھوڑی دیر کے بعد زبان سے کچھ پڑا غلام کو کہا مجھے وضو کرا غلام نے ہاتھوں پر پانی ڈالا وضو کیا اور کہا لوٹا میرے ہاتھ میں دے دے لوٹا ہاتھ میں لے کر چلو میں پانی بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا غلام نے کہا آقا ایسا تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا آج کیوں اس طرح کر رہے ہو یہ کون سا انداز ہے وضو کرنے کا آپ نے فرمایا صحابہ او میرے یارو میرا وضو نہیں ٹوٹا اب میں تمہیں بتاؤں میں رویا کیوں میرا وضو نہیں ٹوٹا میں کیوں رویا اس مقام پر مجھے کوئی یاد آ گیا ہے نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والوں مجھے کوئی یاد آ گیا ہے صحابہ نے پوچھا جلدی بتایا نا کون
हिस्से से उस्मान कभी ना उठे। क्या मामला है हमें भी बता देना। आपने अपने गुलाम को मुखातिब करके कहा, मैं नहीं जानता इस बात को पानी उछालने का क्या राज है, मैं नहीं जानता इस मुकाम पर मुस्कुराने का क्या राज है। मैं पहले जो रो रहा था वो मेरा मन रो रहा था, और जो मैं मुस्कुराया हूं अपनी तरफ से नहीं, महबूब की सुन्नत पर मुस्कुराया। यही मुकाम था, इसी मुकाम पर मेरे हजूर ने आवाज दी, उस्मान। मैंने कहा मां बाप कुर्बान। सरकार ने फरमाया मेरे सिंदूर है, जरा पानी लाओ। मैं पानी लेकर आया, मेरे हजूर ने इसी मुकाम पर वजू फरमाया। अरे वजू करते करते अल्लाह की महबूब ने आसमान को देख के तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम कर रहा यार की अदा को जिंदा किया। मुस्कुराने का राम मुझे नहीं पता, मुस्कुराने का राज, मुस्कुराने का राज मुझे नहीं पता, वजू करने का राज नहीं पता। आपने फरमाया पानी उछाला था, महबूब की अदा थी, देखने वाले ने देखा, उछालने वाले ने उछाला। बात तो जमीन पर हो रही थी, निजारा अरसे मुआजना पर हो रहा। हर पुराने पाक वादे कर कहता है महबूब, फासबिर लिहुक्म
या अल्लाह इसका ठिकाना जहन्नम न कर। परवरदिगार ने मुस्कुरा कर पूछा अपनी शान के मुताबिक, मेरे मूसा गुस्सा क्यों आया है? अल्लाह मेरी नकलें लगाता है। अल्लाह ने फरमाया मेरी दुआ कबूल कर लूं रबी, मैंने तो यही कहा, फिर सुन मेरी तरफ से कबूलियत क्या है? जहन्नम में नहीं, जन्नत में भी तेरे साथ रहेगा। रबी वो यहां भी नकलें लगाता है, वहां भी नकलें लगाएगा, मुझे सताएगा। अल्लाह ने फरमाया पैगंबर अब जाओ, उसकी नकल असल में बदल चुकी है, उसकी नकल असल में बदल चुकी है, मैं उसे जहन्नम में फेंकूं जो मेरे यार की नकल। कैसी दुआ मांग रहे हो पैगंबर? सोचो जरा, ये बद्दुआ मैं कबूल करूं? पैगंबर मेरे जलाल की कसम है, जो मेरों की नकल लगाएगा मैं उसे जहन्नम में नहीं जन्नत में फेंकूंगा। कहां फेंकूंगा? कहां फेंकूंगा? जन्नत में। पैगंबर तेरी नकल की हैसियत महबूबों के नकालों को मैं जहन्नम में नहीं फेंकता, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है, तेरा नकाल है किसी गैर का नहीं है, तेरे नकाल को जहन्नम में नहीं फेंकूंगा। मूसा का नकली नकाल था, पैगंबर ने जब दोबारा निगाह डाली तो असली नकाल हो गया। इसलिए मैं अर्ज करूं ना, इससे पहले न्याजी भी आपको सैफ अल मलूक सुना गया, हम भी कुछ सुनाए, मैं भी सुनाऊं। मीरपुर में जाओ तो मियां साहब का कलाम ना पढ़ो तो इस खिते का हक नहीं अदा। मियां साहब फरमान ले मेरा मेरे मुर्शिद नूबनिया
मियां साहब का कलाम कुरान का तर्जुमा है। साडा दादे पोतरा कहंदा बरेलियां नूं कुरान पढ़ना नहीं आंदा, सैफर मलूक पढ़ते ने, माइये पढ़ते ने। मैं आख्या कमलिया जिन्हों इंसान का कलाम नहीं समझ आया वो रहमान का कलाम क्यों? आंखों का सिलसिला चलता रहा।
नहीं कर सकता। जो कहता है मदीने की मट्टी में क्या रखा हुआ है, जो कहता है मदीने की हवा में क्या रखा हुआ है, मैं भी जाना चाहता हूं जिहाद पर।
अय्यूब जल्दी जल्दी कर शहादत तेरा इंतजार कर। पूछा गया का जगह नहीं बताई, फरमाया ने बताऊंगा जिहाद अल जिहाद, जिहाद अल जिहाद की आवाज आई। अल्लाह के महबूब का बूढ़ा सहाबी जो कल जवान है और आज बूढ़ा हो चुका है, घोड़े पे झूमते झूमते जा रहे हैं, पीछे पीछे जवानों की फौज आ रही है, आगे न यादगार मुस्तफा जा रही है। कोई दामन चूमता है, कोई पांव को चूमता है। जनाबे हजरत अमीर मुआविया ने शाम से गुजर होने लगा, आवाज दी कि मेरे महल में आ जाइए। आपने फरमाया अमीर मुआविया मैं जिहाद पर निकला हूं, दावत खाने के लिए नहीं निकला। अगर तेरे महल में मैं घुस के बैठ गया तो जिहाद की तौहीन होगी। मेरे नबी राव में खाने नहीं खाया करते थे। जनाबे अमीर मुआविया ने भी लश्कर तैयार करके दे दिया। आगे आगे नूरानी दाढ़ी वाला अय्यूब अंसारी जा रहा है और तलवार उठाए हुए रिजन पड़ रहा है और लोग रो रहे हैं। किसी ने पूछा रोता क्यों, फरमाया अरे रिजन अय्यूब पड़ता है जमाना नबी का याद आता। जी जी कर उठने वाले साथ साथ फिदायान जा रहे हैं। तुर्की का इलाका आ गया, रोमनों के कब्जे में है। जुनाबे हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आखिर आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। सहाबा ने अर्ज की हजूर आप बीमार हैं। आपने फरमाया मेरी नसीहत को सुन लो, इस पर अमल भी करना है। पूछा गया आका कौन सी नसीहत है, आपने फरमाया मैं मर जाऊं मुझे दुश्मनों के इलाके में जाकर दफन करना। सहाबा ने कहा यह मानने वाली बात नहीं है, आपकी लाश को निकाल लिया जाएगा। आपने फरमाया रुए जमीन की कसम खाता है अय्यूब अंसारी, तो मुझे दुश्मनों के इलाके में जाकर दफन करना। तुर्की देख कर आने वालों बताओ, आज भी मेरे आका का रोजा किले के साए में है। वो रोमना का किला है, सबसे बड़ा किला, उसकी दीवार के नीचे अय्यूब अंसारी का मजार है मुबारक। तुम्हें तो पता ही नहीं कि वहां पर मजार क्यों बना हुआ है। आपने फरमाया मुझे दुश्मनों के इलाके में दफन करना। सहाबा ने इख्तलाफ किया, कामीर मोमिनीन ए सिपा सालार आलम, दुश्मनों के इलाके में हम दफन नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन आपकी लाश को निकाल लेंगे, रूमी हैं, बड़े बदमिजाज हैं। आपने फरमाया तुम्हारा काम है दफन करना। सहाबा ने कहा हमें यकीन तो दिलाना, किस तरह कहते हो मेरी लाश को दुश्मन नहीं निकालेंगे। आपने फरमाया कसम है परवरदिगार की, दुनिया बदल सकती है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, समंदर खुश्क हो सकता है, सितारे टूट सकते हैं, जमाना बदल सकता है, मगर मेरे महबूब की जुबान अब से लिखने और मेरे आका की जुबान अंदर से निकले हुए अल्फाज कभी बदल नहीं सकते। मेरे आका ने मुझे जमानत दी थी अय्यूब जा खुदा तेरी हर जगह हिफाजत करे, ये बड़े करम के फरमाया। जा मेरे अय्यूब तेरी खुदा हिफाजत हर जगह करे। आपने फरमाया तुम जाओ मेरी मैयत को लेकर जाओ तो सही, अरे दुनिया की कब्रें उखेड़ी जा सकती हैं और अय्यूब की कब्र को कोई छू भी नहीं सकता।
सरकार का जनाजा पड़ा गया, रात का समय है। स्यापा उठाकर कले के दीवार के नीचे जा पहुंचे, ऊपर से रोमन फौजों ने देखा, नीचे चंद आदमी नजर आ रहे हैं। आवाज देकर पूछा, क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा, हम झूठ बोलने के आदी नहीं है। अरे, हम मोहम्मद के गुलाम हैं और हमारा सिपा सरार दुनिया से चल बस रहा है। उन्होंने कहा, वाह रे वाह, कमाल सिपा सरार है, मरकर भी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, मरकर भी हमारी जमीन पर कमाल सिपा सरार है तुम्हारा, देखो मर गया है फिर भी कब्जा कर रहा है। इस वास्ते मैंने गली याद आ गई, मैं मर के तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मौजूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज तकारीर, कुर्रा इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाजरों के आडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तियाब हैं। पोठोहारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सयालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारीख गिफ्ट एंड इस्लामिक आडियो वीडियो सेंटर, 10 कार्लाइल रोड, नज़दनपिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट, टेलीफोन 480327 और 77571।